देखें, पहली बात तो यह है, दुनिया में ना मशवरा ना हर किसी से नहीं लेना चाहिए। आधे से ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं कंपैरिजन की वजह से। मेरा जो जुमला जो कंसोल करता है ना ज्यादातर लोगों, जो आज आप हैं, आप अपने खुद का अपने आप से एक फैसला। जिंदगी के अंदर जिस वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसके जिस्म और रूह, उसके नजरियात और जज्बात के साथ टैली नहीं हो रहा होता, वो है उसका विजन। जितना इंसान का बड़ा विजन होगा, जितनी उसकी बड़ी सोच होगी, जितनी उसकी बड़ी खुद से जंग होगी, उतना ज्यादा वो नासूर पाल सकता है लाइफ। एंड में अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करते रहे और अगले ने नहीं किया, फिर भी रिजिलियंस आपकी क्रिएट हुई, फिर भी बर्दाश्त आपकी क्रिएट हुई है। हर रिलेशनशिप की गंद के अंदर में भी ना सीखने को जरूर मिलेगा। एज ए स्टूडेंट या फिर अगर मैं किसी काउंसलर के पास हूँ या मेंटर के पास हूँ, मैं इससे सवाल रखना चाहूँगा आपको, मैं क्या चीज़ सुनना नहीं चाहूँगा? बिकॉज अगर वो चीज़ें हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको सही करना चाहता हूँ पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ काउंसलर सेज़ टू मी और माई मेंटर सेज़ टू मी कि तुम्हें ये सिलेक्शन ही नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब मैंने गलत प्लग कर दिया। दूसरा ये कि तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, तो इसका मतलब मैंने गलत सैक्रिफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए। या तीसरा ये कि अब तक करते आए हो 20 साल, तो आगे अगले 20 साल भी करो। ये तीन जुमलों को आप किस तरह? देखें, पहली बात तो ये है, दुनिया में ना मशवरा ना हर किसी से नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ने अगर कुरान में कहा ना वशावरहुम फिल अमर, तो इसका मतलब ये नहीं है वशावरहुम में कि हम से मुराद पूरी कायनात से पूछ। आप ख़ास लोगों से पूछते हैं, फिर उस ख़ास से भी पूछें भाई कि उस ख़ास से भी पूछें कि उसकी ज़िंदगी है क्या जो मुझसे जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो भाजन अपनी लाइफ में ना ये कंपैरिजन, आधे से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं कंपैरिजन की वजह से। मैं जब आपकी ज़िंदगी में अपने आप को देखना शुरू करूँगा, मैं कॉम्प्लेक्स हूँगा, इनसिक्योर हूँगा और आई विल कम टू अ कंक्लूजन एंड डिसीजन। फजूल बात। आपने किसी से मशवरा भी लेना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी एनालॉजी डायरेक्ट अपने पर फिट करूँ। हाँ भाई, आपने एक बात की है, एनालाइज मैं अपने तरीके से करूँगा। मैं ज़रूरी नहीं है कि मिनो वन जो आपने बात की है उसको, मतलब हम कोई अंधे थोड़ी ब्लाइंड फॉलोअर हैं। हाँ, मैंने आपकी बात के एक एंगल से सोच शुरू की। मशवरा वो होता है जिसमें अगला बंदा अपने हाओ और वाइज और अपनी दुनिया के अपने मसाइल के अंदर देख ले कि भाई मैं इसको भी देख लूँ कि कोई चीज़ है या नहीं। एंड के अंदर वो चॉइस उसकी है कि उसने प्लग करना है, अनप्लग करना है या उसने बर्दाश्त करना है। तो पहली बात, अगर कोई ये कहता है जी 20 साल ऐसा हुआ है तो 20 साल बाद भी ऐसा ही होगा, हो सकता है और कहीं पर ये नहीं, ये सारे उसूल टूट भी सकते हैं, ये सारे उसूल अप्लाई भी हो सकते हैं। कि आप प्लग किया आपने और किसी ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी देर इनके साथ काम करने की, और किसी ने अनप्लग किया और कोई कहता है 2 साल और निकाल लेता शायद देख लेता। तो भाई सबसे बड़ी बात है, एंड में जो मेरा जो जुमला जो कंसोल करता है ना ज़्यादातर लोगों को, जो आज आप हैं, आप अपने खुद का अपने आप से एक फैसला है, पीरियड। जो आज आप नहीं हैं वो भी आप अपने खुद से एक फैसला है। इसको ब्लेम नहीं करें। आप उस रिश्ते के अंदर डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे, रिसीविंग एंड कैसा था, जालिम था, अनग्रेटफुल था, हालात। By the end of the day, मेरा सवाल है जिस पे मैं इन तीनों क्वेश्चनों को रैप करके रिबटल क्वेश्चन करता हूँ, जिंदगी के अंदर जिस वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसके जिस्म और रूह, उसके नज़रियात और जज्बात के साथ टैली नहीं हो रहा होता, वो है उसका विजन। जितना इंसान का बड़ा विजन होगा, जितनी उसकी बड़ी सोच होगी, जितनी उसकी बड़ी खुद से जंग होगी, उतना ज़्यादा वो नासूर पाल सकता है लाइफ। जितना वो कुएं का मेंढक होगा, जितना वो छोटी सोच का आदमी होगा और जितना उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन कम होगा, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग मुश्किल पहलू है तबीयत और उससे हट के। तो भाई हम तो उससे ये पूछेंगे ना कि भाई तेरा विजन क्या है लाइफ का। उस विजन के अंदर अगर उसमें इतनी ड्राइव और थ्राइव है तो वो लोगों को बर्दाश्त कर लेगा। क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो तेरी दासदार हो? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो जिनसे तू वो बातें कर सके जिनसे मैं जिस जो मैं किसी और से नहीं कर सकता? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए या नहीं चाहिए
कि मैं अनकहे समझ जाए वो बहुत सी चीज़ों में, और क्या मुझे ऐसी बीवी चाहिए नहीं चाहिए जिसे मैं रीकन्फर्म कर सकूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे कर्म इतने नेक हों कि मुझे पका पकाया फल मिल जाए, ये नहीं हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल एक एक ये कि ये नसीब से मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन द स्किन मैचेस द स्किन जो कहते हैं ना, द रीज़न यू गॉट दिस स्किन इज बिकॉज योर स्किन इज द सेम, अलमुमिनून लिलमुमिनात वलखबीसून लिलखबीसात। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी वही मिला है जो आप हो, वही आपको मिला है। अगर वो नहीं मिला तो फिर तो इख्तलाफ है, और अगर वो इख्तलाफ है तो उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो देगा, ये तो आपको गुजर के आना पड़े। एंड में अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे और अगले ने नहीं किया, फिर भी रिजिलियंस आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी बर्दाश्त आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी आपकी इलास्टिसिटी बढ़ी है, और अगर आप मेंटल डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में चले गए हो तो उसके लिए फिर एक अलहदा बात शुरू हो। यानी एब्सोल्यूट लॉस नहीं है, यानी आपने कुछ ना कुछ सीखा उससे। हर रिलेशनशिप की गंद के अंदर में भी ना सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको। एक आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर रहा ना, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस मैन, क्योंकि जब वो आगे बोलेगा ना किसी को कि ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये काम भी मेरे आगे चल रहा था, कि मैं नहीं रहा अपनी जगह, मैं अपनी, वो अपनी स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा कैश कॉ बना सकता है फ्यूचर, कि मेरी स्टेबिलिटी इस सब के सामने इतनी रही है। सो इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग इवन येट यू आर सक्सेसफुल, एंड इफ़ यू डू टू मच इवन येट यू आर टू मच सक्सेसफुल। मैंने आपसे कहा है ना, जो आपका वाई है वो मेरा वाई नहीं हो सकता। एंड के अंदर ये दुनिया जिधर भी इंसान को लेके आएगी, हारे या जीते, खुश हो या डिप्रेस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपीरियंसेस। एंड में एक्सपीरियंस बिकता है, तजर्बे की आग से जो गुजरा हुआ आदमी जब बात करता है ना, उसका वजन ही कुछ और। परफेक्ट। आई टेक दिस एज अ स्टेट एज अ आंसर टू माई थ्री क्वेश्चन जो इंसान सुनना नहीं चाहता एक काउंसलर से। उन तीनों का जवाब यही है कि अगर गलत फैसला ले लिया उसके बाद भी तुमने सीखा, अगर तुम इतने अरसे रहे उसके बाद भी तुमने सीखा, शायद तुमने ये भी सीख लिया तुम्हें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए था और तुमने नहीं किया, तुम कर सकते थे, और बाय द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट लॉस, इसके अंदर तुम बहुत कुछ सीख सकते थे और तुमने बहुत कुछ सीखा भी। देखें अदील भाई, अनप्लग करना इज पीनट्स, इट्स नॉट पीनट्स, इट विल टेक अ टोल, लेकिन किसी भी ताल्लुक से अपने आप को पीछे हटाना ना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी, 3-4 महीने का इनकन्वीनियंस आएगा, साइकोलॉजी फिर रिवैम्प कर लेगी, चलाना मुश्किल है सर, चलाना मुश्किल, तोड़ना मुश्किल नहीं है, तोड़ना बहुत आसान है, मिनट लगेगा आपको। 3 लफ्ज़ आपने शादी में भी किसी भी रिश्ते में आपने कहना है, सर जज़ाकअल्लाह वी आर डन, आपने जो बिगाड़ना है ना आप बिगाड़ लीजिएगा, काम ख़त्म करें, आपसे हमारा डील।